Hello everyone. Today we are going to start the second and last part of the lesson, A Triumph of Surgery. इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की सेहत से खिलवाड़ कर रही है, या मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है. वो उसे इतना लाड प्यार करती है कि उसकी डाइटिंग में वो बिल्कुल भी कमी नहीं कर सकती, और ट्रिकी अंत में बीमार पड़ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी उसे सर्जरी में भेजना पड़ता है, हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है. अब मिस्टर हैरियट जो है, क्या वो उस सर्जरी में, उस हॉस्पिटल में ट्रिकी का अच्छे से इलाज कर पाते हैं, या सचमुच में उसकी कोई सर्जरी होती है, या फिर कोई और उपाय अपनाते हैं वो, और क्या ट्रिकी ठीक हो जाता है और वापस अपनी मालकिन के पास आता है. तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे और इस वीडियो को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि जब मैं ट्रिकी को लेकर अपनी सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में, वो एक वेटनरी डॉक्टर थे और जानवरों के हॉस्पिटल में वो इलाज किया करते थे, वहां के वो डॉक्टर थे. तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां के जो बाकी कुत्ते थे वो मेरे इर्द गिर्द आ गए. मेरे मतलब वो जैसे लगाव था उनको, कुत्तों को भी मिस्टर हैरियट के साथ, तो उसके इर्द गिर्द वो मंडराने लगे. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट. पैक मींस गैंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड. तो जैसे कि वो कुत्तों का झुंड बहुत शोर कर रहा था, ट्रिकी को मिस्टर हैरियट ने अपनी गोदी में उठाया हुआ था. तो ट्रिकी नीचे देखता है उनको बड़ी डल आईज के साथ कि ये शोर मचा रहे हैं. और जब ट्रिकी को नीचे कार्पेट पे रखा गया तो ही वॉज मोशनलेस. मोशन होता है गति, और मोशनलेस हुआ गतिहीन. तो बिना हिलडुल किए वो कारपेट पे पड़ा रहा. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. स्निफिंग होता है सूंघना. जो दूसरे कुत्ते थे जब उसको नीचे रख दिया कारपेट पे, तो कुछ सेकेंड के लिए वो उसके आस पास आकर उसको उलट पुलट करके उसको सूंघने लगे. लेकिन उन्होंने देखा कि ट्रिकी उसको, उनको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग करेक्टर है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो उसको इग्नोर करके वहां से चले गए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. मैंने ट्रिकी के लिए एक खुले से गर्म बॉक्स में बेड बनाया, बिस्तर बनाया, और वो भी वहां पे जहाँ पे बाकी सारे कुत्ते सोया करते थे, स्लैप में सोया करते थे. अदरवाइज घर में तो उसके लिए अलग बेड होता था, अलग रूम होता था, अलग उसके कपड़े, मतलब तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के खाने के बर्तन होते थे. लेकिन मैंने, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने उसे जहाँ बाकी कुत्ते सोते थे वहीं पे ही सुलाया. फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम. मैंने अगले दो दिनों तक उस पे नजर बनाए रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसे मैंने कुछ भी खाने को नहीं दिया सिवाय बहुत सारा, ढेर सारा पानी उसे पीने को दिया. मतलब खाने के नाम पे मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, और क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही यही थी, ज्यादा खाना ही उसकी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसे बहुत सारा, ढेर सारा पानी पीने को दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि एट द एंड, दूसरे दिन के अंत तक उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया. किसमें? जो उसके आसपास की चीजें थी उनमें उसने थोड़ा सा रुचि दिखाना शुरू कर दिया. और तीसरे दिन के शुरुआत में, थर्ड डे की जो मॉर्निंग थी, उसमें वो विम्पर, विम्पर होता है धीरे धीरे रोना, जब उसने यार्ड से चिल्लाते हुए या भौंकते हुए, खेलते हुए कुत्तों की आवाजें सुनी, तो उसने धीरे धीरे विम्पर करना या धीरे धीरे चिल्लाना उसने भी शुरू कर दिया, या धीरे धीरे उसने भी रोना शुरू कर दिया. When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the Greyhound and his friends. जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा Tricky क्या है, trotted होता है धीरे धीरे चलना. Tricky धीरे धीरे चल रहा था, और जो जो था, जो कुत्ते का नाम है, एंड Greyhound, ये Greyhound किस्म का एक hunter dog है. ये एक कुत्ते की एक स्पेशल किस्म है, ये शिकारी कुत्ता इसे कहते हैं, और उसका नाम था जो. और मैंने देखा कि उसे एंगल्फ होता है,
एंगल्फ मीन्स घिर जाना। मैंने देखा कि जो ने और उसके फ्रेंड्स ने, जो और जो के फ्रेंड्स ने ट्रिकी को चारों तरफ से घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उन्होंने उसको उलट पुलट किया, रोलिंग मतलब इधर उधर उसको धकेला, पुश किया, रोलिंग किया और उसको हर तरह से इंस्पेक्ट किया, उसको जांचा परखा। जब मतलब ट्रिकी अभी भी पूरी तरह से अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ पाया था, तो ट्रिकी ने जब कोई मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो भाग कर कहाँ चले गए, नीचे गार्डन की तरफ वो चले गए। और ट्रिकी फॉलोड देम और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। जो एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी में था, उस फैट को का बोझा उठाए हुए कभी वो लुढ़कता, रोलिंग मीन्स कभी वो लुढ़कता, कभी वो धीरे धीरे खिसक खिसक के वो चलता, लेकिन उनका पीछा वो करने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उस दिन के बाद मैं खाने के समय वही मौजूद था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू द बॉल्स। ट्रिस्टन जो है यहाँ पे मे बी द कुक ऑफ द सर्जरी, जो कुत्तों के लिए खाना वगैरह बनाता है। तो मैंने देखा कि ट्रिस्टन ने कुत्तों के जो बॉल्स थे, उनके जो कटोरे थे, उसमें उन्होंने ट्रिस्टन ने खाना डाला। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो कुत्ते जो थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके कटोरे में खाना पड़ चुका है, वो भागते हुए, सरपट भागते हुए वो वहां पे आए। हाई स्पीड में उनके खाने की आवाजें जो थी, वो जोर जोर से उनके खाने की आवाजें आ रही थी। और हर कुत्ता जानता था कि अगर मैं खाने में पीछे रह गया तो मेरे खाने का जो भी भाग है उसको हासिल करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। मतलब वहां पे जैसे आप तो देखती हो जानवरों का बिहेवियर पता ही है आपको, जानवर जो है वो जल्दी जल्दी खा जाता है, स्पेशली कुत्ते जो है वो जल्दी जल्दी खा जाते हैं। अपना खाना खाने के बाद फिर वो दूसरों का हिस्सा भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हर कुत्ता जानता था कि अगर लेट हुए तो खाना हाथ से गया। अच्छा, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने खाना फिनिश कर लिया खत्म कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। जब उन सब ने खाना समाप्त कर लिया, ट्रिकी ने देखा और ट्रिकी ने देखा कि उन्होंने खाना खत्म कर लिया और वो जो शाइनिंग बॉल्स थे, वो जो शाइन मतलब चमकते हुए कटोरे थे, चमक कैसे रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनको जीप से चाट चाट के उनको चमकीला कर दिया था। तो उन चमकीले चमकते हुए बॉल्स को के चारों तरफ ट्रिकी जो था वो मंडराने लगा और उनमें से कुछ एक जो बॉल्स थे उसको उसने चाटा भी। लिकिंग होता है चाटना, चाट मतलब लिक मींस चाटना, लिकिंग चाटते हुए उनको चाटा भी। कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक दो बॉल्स को उसने चाटा भी। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल जो था वो उसके लिए रख दिया गया। अब ट्रिकी का भी खाना लगा दिया, मतलब तीन दिन के बाद ट्रिकी को भी खाना खाने को दिया जाने लगा। और मैंने देखा, आई वॉज प्लीज्ड, प्लीज होता है खुश होना, और मैं बहुत खुश था टू सी हिम जॉस्लिंग, जॉस्लिंग होता है पुशिंग, धक्का देना, धकेलते हुए। मैंने देखा कि ट्रिकी जो है एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है खाना खाने के लिए, वो भी कोशिश कर रहा है, अब उसमें हरकत होनी शुरू हो गई है। फ्रॉम देम ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से लेकर उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी प्रगति जो थी, अब वो तेजी से होने लगी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। अब वो जो था, अब ये ट्रिकी जो था वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे नहीं था, उसे दिया ही नहीं गया मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मतलब दवाइयां वगैरह उसे कुछ नहीं दी गई। उसका ट्रीटमेंट क्या था, पहले तो उसे खाना नहीं दिया गया, सिर्फ पानी ही पानी दिया गया, और उसके बाद उसे एक लिमिट डाइट दी गई, एक प्रॉपर संतुलित बैलेंस डाइट उसको दी गई। और
उसका ट्रीटमेंट का इलाज क्या था? हर रोज वो कुत्तों के साथ दौड़ लगाता था और उन्हें स्क्रिमेजेस होता है, मतलब लड़ाई, लेकिन वो लड़ाई कैसी? आपने कुत्तों को, दो कुत्तों को कभी लड़ते हुए देखा, लड़ते इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ वो गुत्थम गुत्थी करते हुए देखा होगा, उसे स्क्रिमेजेस कहते हैं। मतलब प्यार की लड़ाई, के एक दूसरे के साथ खेलने के लिए कभी एक दूसरे को धकेल रहे हैं, कभी उनको इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, उसे स्क्रिमेजेस कहते हैं। तो बड़े प्यार से उनके साथ वो मतलब झगड़े करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब उसने अपनी खुशी ढूंढ ली थी उन कुत्तों के साथ खेलते खेलते, उनको ज्वाइन करके। जैसे वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते थे, कभी ट्रिकी जो था वो दब जाता था नीचे, तो उसे उन चीजों पे बुरा नहीं लगता था, गुस्सा नहीं आता था, उसे मजा आता था कि वो भी बाकी कुत्तों की तरह एक फ्री माहौल में वो खेल रहा है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अच्छा, ये जो ट्रिकी था, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब वो एक स्वीकृत मेंबर बन गया था उस कुत्तों की गैंग का, अब उन्होंने, उस ग्रुप ने उसको अपना लिया था। एंड अनलाइकली, मतलब बड़ा अजीब सा लगता था, वो जो सिल्की बालों वाला कुत्ता था, मतलब मिसेस पेम्फ्रे ने उसको बड़े ऐशो आराम से रखा हुआ था, उसके लिए नहाने के लिए साबुन शैम्पू बड़े महंगे महंगे, तो उसकी स्किन भी वैसी ही थी। तो वो जो ये जो मतलब सिल्की बालों वाला कुत्ता था, उन शैगी, शैगी मीन्स भद्दे, मतलब वहां पे सर्जरी में जो कुत्ते थे उनकी वैसी केयर नहीं होती थी, उन्हें नेचुरल वे में छोड़ दिया जाता था। तो उनके मतलब जैसे नहाने के लिए कोई उनको स्पेशल शैम्पू या साबुन यूज नहीं किया जाता था उनके लिए, तो उनकी स्किन भी वैसी रफ एंड टफ होती थी। तो ऐसे क्रू होता है दल, ऐसे दल में वो अलग सा ही दिखता था, मतलब शाइनिंग सा शाइन करता था, या फिर अलग सा ही सिल्की बालों वाला वो अलग से ही नजर आता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और वो क्रू कैसा, मतलब टाइगर की तरफ फाइट करने वाला, खाने के समय, खाने के समय अपने मतलब खाने को हासिल करने के लिए या दूसरों का खाना छीनने के लिए वो शेर चीते की तरह वो मतलब फाइट करता था, झगड़ा करता था। एंड हंटिंग रैट्स, और क्या करता था, चूहों का शिकार करता था वो दल, उन कुत्तों का दल। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो पुराने मुर्गियों का घर था, रात के समय वो कुत्तों का दल वहां पे जाके चूहों को मारता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपनी लाइफ में इस तरह का समय कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्जिशियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और इस पूरे समय के दौरान मिसेस पम्फ्रे जो थी, हॉवर्ड होता है मंडराना, एंग्जिशियसली होता है उत्सुकतापूर्ण, इस पूरी पृष्ठभूमि में, पूरे बैकग्राउंड में ये जितना भी समय चला, इसमें वो हर समय जो थी वो बहुत ही उत्सुक, वो मतलब उत्सुकतावश वो बहुत सी उत्सुकता अपनी शो करती रही, मतलब उनके दिलो दिमाग पे उत्सुकता ही मंडराती रही। और इधर उधर मतलब जब भी देखे उसे यही टेंशन पड़ी रहती थी, लगी रहती थी कि पता नहीं ट्रिकी कैसा है और क्या कर रहा है, उसे उस तरह से रखा जा रहा है जैसे मैं रखती थी कि नहीं, तो उसे उसकी चिंता खाई जाती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम, और इसी उत्सुकता वश वो क्या करती थी, दिन में लगभग दर्जनों बार वो फोन करती थी उसका लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए, उसका मतलब उसकी बीमारी या उसकी जो ट्रीटमेंट हो रहा था, उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रसारण जानने के लिए उसके वो बार बार मिस्टर हेराइट को वो कॉल करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली। कॉन्वेल्सिंग होता है सुधार, कॉन्वेल्सिंग में सुधार। अच्छा, आई डॉच, डॉच होता है टाल देना, तो
मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं हमेशा उनके क्वेश्चंस को टाल देता था। क्वेश्चंस क्या होते थे कि क्या उसको बैठने के लिए कुशन दिया, गद्दी दी उसको बैठने के लिए चिकी को कि नहीं, क्या आज उसने वर्बिंग टर्न रेगुलरली और उसकी गद्दियों को रोज बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है, उसको सही कोट पहनने को दिया मौसम के अनुसार कि नहीं दिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिसेस पम्फ्रे पूछती थी तो मैं अक्सर उन क्वेश्चन को टाल जाता था, लेकिन मैं एक चीज का वो मतलब सही ढंग से उनको बताने में बिल्कुल एबल था, और वो क्या था, सुधार शब्द। मैं उससे उन्हें बताता था कि उसकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कन्वेलसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। ये जो वर्ड कन्वेलसिंग था, सुधार शब्द था, ये बहुत कुछ कर जाता था मिसेस पम्फ्रे के लिए। मतलब ये बड़ा कमाल का काम कर जाता था जब उन्हें लगता था कि ट्रिकी की सेहत में सुधार हो रहा है, तो उन्हें कहने का मतलब उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. तो उन्होंने क्या किया, मिसेस पम्फ्रे ने अब फ्रेश एग्स, ताजा अंडे, और वो भी कितने, 2 दर्जन एट अ टाइम, एक मतलब उन्होंने 2 दर्जन अंडे जो थे वो हर रोज ट्रिकी की को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको मतलब जो वो बीमारी से मतलब अभी उबर रहा था, तो उसके शरीर को ताकत, उसके शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए 2 दर्जन अंडे उसने हर रोज भिजवाने शुरू किए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। अनेकों मजेदार पीरियड तक, या मतलब अनेकों मजेदार दिनों तक, मैं और मेरा पार्टनर हम लोग क्या करते थे, 2 अंडे ब्रेकफास्ट में ले लिया करते, जो चिक्की के लिए अंडे भिजवाए होते थे वो अंडे डॉक्टर और उसके जो पार्टनर्स थे वो खा जाते थे। बट वैन द बॉटल, लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हुई, और वो शराब भी कैसी, महंगी से महंगी वाइन ट्रिकी के लिए, जब शराब की बोतलें आनी शुरू हुई तब हमें और मेरे पूरे परिवार को एहसास हुआ मतलब असली सही संभावनाओं का, रियल पॉसिबिलिटीज, असल संभावनाओं का अंदाजा हुआ कि मिसेस ट्रिकी, सॉरी मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए क्या क्या कर सकती हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सारा सामान किसके लिए था, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच जो था वो एक उत्सव की तरह मनाया जाने लगा, एक मतलब सेलिब्रेशन सी होने लगी, मतलब जैसे सेलिब्रेशन होती है तो वैसे जैसे मतलब उनके लंच डिनर ब्रेकफास्ट होने लगे। 2 गिलास वाइन के खाना खाने से पहले लिए जाते थे, और 2 गिलास खाना खाने के बाद अनेकों गिलास जो थे वो वाइन के लिए जाते थे। He could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe, हमें बड़ी मुश्किल से ये विश्वास हो रहा था कि अंत में ट्रिकी की सेहत के लिए क्या आने लगी, ब्रांडी आने लगी, और ताकि उसकी मतलब सेहत में सुधार हो, उसको ताकत मिले उसके शरीर को। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों तक वो जो ब्रांडी की बॉटल्स होती थी उन्हें सब कमरों में घुमाया जाता था, सबको इनहेल करवाया जाता था, सुंघाया जाता था, और बड़े रेवरेंटली मीन्स बड़े सत्कार के साथ फिर उसे ड्रंक मीन्स उसे पिया जाता था। देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये वो दिन थे जो बड़े ही गहरी संतुष्टि भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, स्टार्टिंग सुबह की स्टार्टिंग कैसी होती थी ब्रेकफास्ट की, एक एक्स्ट्रा एग के साथ स्टार्टिंग होती थी, शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर को और बेहतर से बेहतर वाइन के साथ मतलब दोपहर निकलती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रैंडी, और रात के समय लग्जरियसली होता है भव्य शानदार ब्रैंडी के साथ लास्ट सपर का एंड होता था, और वो भी कैसे, चारों ओर आग, बीच में आग जलाई होती थी, चारों ओर बैठकर सारे ब्रांडी पीकर इस मतलब इसका एंजॉय कर रहे थे।
तो इस तरह से उनके दिन जो थे वो बड़े ऐशो आराम भरे निकल रहे थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. तो 15 दिन के बाद मैं मिसेस पम्फ्रे को फोन करने के लिए मजबूर हो ही गया क्योंकि मिसेस अच्छा सॉरी एक लाइन रह गई. इट वॉज अ टेम्पटेशन, ये एक लालच था. टेम्पटेशन होता है लालच, ये एक लालच था ट्रिकी की, ट्रिकी को वहीं रखा जाए. मतलब मन तो करता था कि ट्रिकी को परमानेंट ही अपनी सर्जरी में रख लिया जाए ताकि मिसेस पम्फ्रे ऐसे ही ऐशो आराम की चीजें हमें, मतलब डिलीशियस चीजें, महंगी महंगी चीजें हमें खाने के लिए भेजती रहें, हमारे मजे लगे रहें. लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत दुखी है ट्रिकी के लिए. तो वो चाहती है कि जल्द से जल्द उसकी वापसी हो. और 15 दिन के बाद मैं मजबूर हो ही गया उन्हें फोन करने के लिए और मैंने बताया कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और आपके आने का इंतजार कर रहा है. विद इन मिनट अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्यू अप आउटसाइड द सर्जरी. और कुछ ही मिनटों में, फोन करने के बाद कुछ ही मिनटों में 30 फीट चमकती हुई चमकीली लाल रंग की कार जो थी वो सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई. द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. शॉफर होता है गाड़ी चलाने वाला, मीन्स ड्राइवर. तो मैंने देखा कि ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मैं मुश्किल से ही उस गाड़ी के इंटीरियर में मिसेस पम्फ्रे को देख पा रहा था. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उसने अपने हाथ टाइट आगे की तरफ उसने पकड़ के रखे हुए थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उस ट्रेम्बल मीन्स कांपना, उसके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. ओ मिस्टर हैरियट, प्लीज मुझे बताइए, सच सच बताइए. इज ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच में ठीक है? Yes, he is fine. मैंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है. There is no need for you to get out of the car. आपको कार से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं जाता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ. I walk through the house into the garden. मैं घर के अंदर से होते हुए गार्डन में गया. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst. Ears flapping, tail wavings, was the little garden figure of Tricky. कुत्तों का एक बड़ा झुंड जो था वो मैदान के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटे जा रहा था और उन्हीं के बीच में ट्रिकी जो था अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, मतलब दौड़ती बार उसके कान जो थे वो थपथपा रहे थे या फ्लैपिंग कर रहे थे. उसकी टेल वेविंग, उस टेल लहरा रही थी, पूंछ लहरा रही थी. Was the golden figure, और वो गोल्डन कलर का था ट्रिकी. वो गोल्डन रंग का ट्रिकी, जो सुनहरे रंग का ट्रिकी जो था उन कुत्तों के साथ साथ दौड़ रहा था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe-hearted, muscled animal. 2 हफ्तों में ही ये जो बीमार बेजान डल सा कुत्ता था अब ये मजबूत मांसपेशियों वाला एक मतलब अच्छा तंदुरुस्त कुत्ता वो बन गया था, जानवर बन गया था. He was keeping up well with the pack, stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. वो उन कुत्तों के साथ बराबर दौड़ लगा रहा था, जहां वो एक कदम भी नहीं रखता था उनके साथ, अब वो उनके साथ प्रॉपरली दौड़ लगा रहा है, उनकी बराबरी कर रहा है. अपने शरीर को फैलाकर वो छलांगे लगा रहा है और उसकी छाती जो है दौड़ती बार ग्राउंड को टच कर रही है. I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे गलियारे से होते हुए घर के सामने ले आया. The chauffeur was still holding the car door open. जो chauffeur था, जो driver था Mrs. Pumphrey का, वो अभी भी कार का दरवाजा खोले हुए वहीं, दरवाजे को पकड़े हुए वहीं खड़ा था. And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ना सिर्फ मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी से प्यार करती थी बल्कि ट्रिकी भी मिसेस पम्फ्रे से बहुत प्यार करता था. जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्रे को देखा, उसने एक शानदार, ट्रिमेंडस होता है शानदार, उसने छलांग लगाई. लीप मीन्स छलांग.
छलांग लगाई और मिसेस पम्फ्रे के लैप में, लैप मीन्स गोदी, उसकी गोदी में जाके वो बैठ गया. शी गेव अ स्टार्टल ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वम्प्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. मिसेस पम्फ्रे जो थी अब वो चौंक उठी और ओ ओ बार बार वो ओ ओ करके मतलब चौंक उठी. मतलब उसने चिकी को इतना चुस्त दुरुस्त पहले कभी नहीं देखा था. एंड देन हैड टू, और उसके बाद उसे अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, मतलब अपने आप को बचाना पड़ा, क्योंकि चिकी उसके पास उसकी गोदी में बैठकर उसके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा, खूब प्यार उसको जता रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स टॉयज कुशंस कोट्स एंड बॉल्स None of which had been used. उन दोनों की मालकिन और कुत्ते की वो मतलब जो भी वो मतलब एक दूसरे को देख के इतना लाड़ प्यार कर रहे थे, उनकी जो एक्साइटमेंट थी उसी एक्साइटमेंट के बीच मैंने ड्राइवर की हेल्प करनी शुरू कर दी. मैं उसके ट्रिकी के जो बैट था, उसके बैट थे था नहीं थे टॉयज थे, उसके कुशंस गद्दियां थी, उसके जो कोर थे बॉल्स थे, उन सबको जो जिनका किसी का भी यूज नहीं हुआ था उन सबको लाकर मैंने गाड़ी में ड्राइवर के साथ रखवा दिया. एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार वहां से चलने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्रे खिड़की की तरफ झुकी, टियर शोन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके होंठ कांप रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट शी क्राइड, और वो मिस्टर हैरियट को कहती है कि अरे मिस्टर हैरियट, वो जोर से चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी ने कमाल कर दिया, मतलब मेरे ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया, ऐसा मतलब इतना तंदुरुस्त या इतना फुर्तीला मैंने अपने डॉगी को कभी नहीं देखा था, तो ये सर्जरी का ही कमाल है, इसके लिए आपका धन्यवाद. तो ये था लेसन, और ये है असाइनमेंट वर्क, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का आपने उसका करेक्टर स्केच आपने लिखना है. कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय.